दुनिया और आखिर टोटली डिफरेंट है, लेकिन जब तक हमें इल्म यानी अवेयरनेस नहीं होती तो हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता. व्हेन आई वाज अ किड, व्हेन आई डोंट हैव एनी अवेयरनेस अबाउट दीन टू मच, सो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मुझे ये लगता था कि मे बी जिस तरह दुनिया के अंदर आजमाइशें आती हैं या तकलीफें आती हैं या मुश्किल वक्त आता है, तो वो वक्त जो होता है वो गुजर ही जाता है, चाहे हमने उसमें कितने ही दुख देखे हों, चाहे वो कितना मुश्किल वक्त हो, लेकिन वो वक्त के साथ गुजर जाता है. लाइक टाइम इज अ हीलर. बट व्हेन आई ग्रो अप एंड आई गॉट अवेयरनेस कि ऐसा नहीं, मुझे ये लगता था कि जैसे दुनिया के अंदर कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो खत्म हो जाता है, तो आई थॉट कि अगर कब्र के अंदर भी जब हमारा हिसाब होगा, जब मुश्किल वक्त आएगा, तो शायद वो भी वक्त के साथ गुजर ही जाएगा, वो हिसाब भी हम दे ही लेंगे, मे बी हम पास हो जाएंगे क्योंकि मुसलमान तो है. बट आई वॉज वेरी रॉन्ग, बिकॉज कब्र जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है. उसके अंदर जब हमारा हिसाब होगा, उसमें हम पास होंगे तो हम अपनी अगली मंजिल तक पहुंच पाएंगे. अगर हम उस हिसाब में कामयाब ही नहीं होंगे तो फिर हमें कब्र में भी अजाब होगा क्यामत तक, और क्यामत के बाद भी हमारा ठिकाना जहन्नम होगा. बट या इफ वी पास दैट हिसाब प्रोसीजर, फिर ये होगा कि हमें क्यामत तक और क्यामत के बाद भी सुकून में रखा जाएगा और हमें क्यामत के बाद जन्नत मिलेगी इंशाल्लाह. सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस कि हमें दुनिया के अंदर जो कुछ वक्त की है, जिसमें वक्त गुजर जाता है और अब तो बहुत तेजी से वक्त गुजर रहा है, कितनी निशानियां पूरी हो गई, तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बेहतर करना चाहिए, बिकॉज कब्र की मंजिल बहुत मुश्किल है. सो वी नीड टू डू एफर्ट टू गेट जन्नत.